Hello students, today I am here to teach you the topic integrated grammar. सर ने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए होंगे जिसमें कि आपको एडिटिंग और ओमिशन से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी होंगी. तो उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कैसे करना है, फर्स्टली आपको नॉलेज होगी तभी आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे. इसके मेनली अगर हम बात करें तो इसके मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने नहीं होते हैं. आपको इसमें अपना माइंड यूज़ करना है और वो कैसे करना है, जस्ट लिसन मी केयरफुली, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. जस्ट लाइक वन पैराग्राफ इन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड ईच लाइन प्रॉपरली. ओके, देन इफ यू आर फाइंडिंग वन एरर इन एनी लाइन देन यू अंडरलाइन दिस. जस्ट लाइक आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस. One day, the Nawab sent to his minister and asking him to measure the length into breadth of an entire earth from end to end, but side to side. He also wished that a minister should counted all the star in the sky. So you have to first analyze the tense which is given here. क्योंकि आपको firstly tense find out करना है. अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई पास्ट इंसिडेंस मेंशन किया गया है तो उस पास्ट इंसिडेंस को हम पास्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे. अगर कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है तो वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस. क्लियर? जस्ट लाइक ये एक मिनिस्टर के बारे में गिवन है, इट मीन्स इट्स लाइक अ स्टोरी. कोई स्टोरी का पार्ट यहाँ पर मैंशन किया गया है, नवाब और उसके मिनिस्टर की स्टोरी है जिसमें कि यहाँ मैंशन किया है वन डे द नवाब सेंड टू हिज. इस लाइन में एक एरर है. आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पर आपने प्रपोजिशंस भी अगर अभी नहीं पढ़े हैं तो लास्ट ईयर पढ़े होंगे. यहाँ पर सेंट फोर, इट इज़ अ फेमस वर्ड. तो यहाँ पर टू जो है वो एरर है और टू को हम चेंज करेंगे फोर में. हाउ? क्योंकि सेंट टू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सेंट फोर का मीनिंग होता है कॉल. सेंट फोर का मीनिंग क्या होता है? It means call, to call. Clear? In the next line, minister and asking him to, यहाँ पर send for his minister, यहाँ second form use हुई. तो यहाँ हम ing without any helping verb कैसे use कर सकते हैं? It's not gerund. अगर gerund की अगर हम बात करें तो first form plus ing जो है as a subjective और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वही आई एन जी फॉर्म में यूज होता है अगर जेरेंड होता है तो. यहाँ तो ये वर्ब है. ओके, सो इट्स रॉन्ग. सो आर एरर इज आस्किंग, दैट विल चेंज इनटू आस्क्ड. ओके, आपको रूल्स जो है टेंस के वो रिमाइंड होने चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे. रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसके चेंजेस करने हैं. टेंस के रूल्स हैं, प्रपोजिशन के रूल्स हैं, मॉडल्स के रूल्स हैं और डिटरमिनर्स. ये मेनली फोर टॉपिक्स हैं जिनको इस एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, मेजर द लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ एन एंटायर अर्थ. द लेंथ इनटू, यहाँ इनटू इज द एरर. एरर तो पता चल गई, लेकिन इसका आंसर कैसे होगा? यहाँ लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें हैं. ओके, क्योंकि इससे कनेक्टेड जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में भी जा सकता है, आपको उसको भी फॉलो करना है. तो यहाँ लेंथ इनटू नहीं आएगा, यहाँ आएगा एंड ऑफ एन एंटायर अर्थ. ओके, यहाँ पर एंड ब्रेथ हो गया ऑफ एन एंटायर अर्थ. यहाँ एंड जो है हम किस लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ अपनी पर्टिकुलर अर्थ की बात कर रहे हैं तो एंड की जगह हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. क्लियर? फ्रॉम एंड टू एंड बट साइड टू साइड, आपने सुना भी होगा, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है. टू ना यूज करके यहाँ साइड बाय साइड, मतलब साइड दोनों साइड की बात हो रही है. ठीक है, इस साइड और उस साइड, साइड बाय साइड. तो टू का बाय. ही ऑल्सो विश्ड दैट अ मिनिस्टर, यहाँ आ रहा है इसके बाद में मिनिस्टर का यूज हो रहा है. Is the error, A will become into the. Okay, क्यों यहाँ the का use होगा? क्योंकि यहाँ एक particular person की जब बात होती है तो हमें the का use करना होता है, the article का use होता है. तो minister should counted all, आपने models अच्छे से पढ़े हैं. यहाँ पर should counted, should के साथ में, would के साथ में,
शैल वेलन सबके साथ में क्या आपने कभी सेकेंड फॉर्म को देखा है? नहीं देखा। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे? काउंट। ओके, तो यहाँ काउंटेड जो है वो क्या चेंज हो जाएगा काउंट में? काउंटेड विल बी चेंज इनटू काउंट। ओके, नेक्स्ट लाइन में भी आपके एक एरर है, ऑल द स्टार इन द स्काई। यहाँ पर स्टार ऑल मतलब सारे स्टार्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ ओनली स्टार नहीं यूज करेंगे, स्टार इज अ एरर, तो हम क्या यूज करेंगे? स्टार्स। ओके, सो दिस वे इज टू सॉल्व द एडिटिंग पोर्शन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन एक्सरसाइज, देन यू कैन कमेंट मी एंड आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू।